देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ, मुद्दे की बात आपके साथ। रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पटना का दबदबा, भागलपुर को 99 रनों से दी शिकस्त। खिताबी मुकाबले में जीत दर्ज कर बने बिहार के चैंपियन। पूर्णिया के DSA ग्राउंड में चल रहे अंशुल होम्स रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का फिनाले खेला गया, जिसमें एक तरफा मुकाबले में पटना ने भागलपुर को 99 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पटना ने सभी विकेट गंवाकर 180 रन बनाए। जवाब में उतरी भागलपुर की टीम पूरी तरह ताज के पत्तों की तरह ढह गई और 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। शुरुआत में 26 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद भागलपुर के बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, लेकिन टीम की हार को नहीं टाल पाए। बिहार को मान्यता मिलने के बाद यह पहला मौका था जब अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और जिसकी मेजबानी पूर्णिया को मिली। पूर्णिया ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्णिया जिला पदाधिकारी प्रदीप झा भी मौजूद रहे। वहीं बिहार क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष सुनील कुमार भी फिनाले में उपस्थित रहे। पेश है ये रिपोर्ट। पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की अध्यक्ष मैडम स्वाति जी और हरिओम झा जी को, जो सचिव हैं यहाँ के मानद, उनको मैं बधाई देता हूँ। विगत 3 जून से जो ये चल रहा था रणधीर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट, जिसके बहुत ही अच्छे शानदार ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूर्णिया में बहुत क्षमता है। आज जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के एक बड़े खिलाड़ी मनीष वर्धन जी हुए, वो खुद मौजूद थे इसी ग्राउंड से, जिस DS ग्राउंड पर ये पूरा टूर्नामेंट हुआ उसी ग्राउंड से खेल के वो आगे बढ़े। और यहाँ के बच्चों को भी मैंने देखा कि बड़ी क्षमता है और क्रिकेट संघ में भी क्षमता है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है बच्चों के को खेल प्रमोट करने, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। अभी जिला पदाधिकारी पूर्णिया यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कुछ अपनी समस्याएँ बताई जो तकनीकी समस्याएँ हैं, लेकिन वो खुद बहुत लगे हुए हैं। जो सबसे पहला जो पूर्णिया क्रिकेट संघ, जैसा कि उनसे बात हुई, और बिहार क्रिकेट संघ भी इस चीज़ के लिए है तैयार कि यहाँ पर पहले एक टर्फ विकेट हो, जिससे कि खेल का स्तर थोड़ा ऊंचा जाए। और इसके लिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के, वो भी प्रयत्नशील हैं। बिहार क्रिकेट संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी प्रयत्नशील हैं। और पूर्णिया को जो कोसी के पूरे अंचल में एक बड़े क्रिकेट सेंटर के रूप में स्थापित कर सके, इसमें हमारा भी सहयोग रहेगा और ये लोग भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। जो भी टूर्नामेंट्स हमारे हो रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं, 16 है, 19 है, अंडर 23 है और फिर सीनियर्स है, तो ये जो जितने भी लड़के हैं, इन लड़कों का एक जोन वाइज एक कैंप जो है लगाया जाएगा पटना में, जिसके अभी हम लोग इस पर बात करेंगे इसका कैंप कब से लगे। और 19 के बच्चे हमारे बहुत अच्छा किए हैं, पिछली बार भी जो हमारा BCCI का सर्किट है उसमें भी अच्छा किया, और उसमें कुछ एक दो लड़कों ने बहुत अच्छा किया है, जिसमें एक लड़के को अभी पाली उमरीगर अवार्ड भी मिलने के लिए की बात हो रही है और जो उनको मिलने जा रहा है बेंगलोर में। तो अच्छे हैं हमारे अंडर 19 के लड़के, बहुत अच्छे हैं, और ये स्टेपिंग स्टोन होता है अच्छे जो सीनियर क्रिकेट के लिए, हमारे लड़के यहीं से जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इन लड़कों का कैंप लगाया जाएगा, और जिसमें कि हर किसी के साथ कोई सबके साथ न्याय हो, जो बेहतर लड़के हों वो चुन के आएँ, और उस बेहतर लड़कों की एक अच्छी टीम 15-16 लड़कों की हम लोग खड़ी करेंगे, जो कि 19 का जो सर्किट होगा BCCI का उसमें खेलेंगे। अच्छा जी, 23 के जो कैंप ने जो 5 जोन में बांटा गया है, जी हाँ, उससे सर फाइनल सिलेक्शन कब होगा? अभी तो पहले उसका इंटर जोनल होगा, फिर उसका कैंप लगेगा और उसके बाद हम लोग इस पर करेंगे, उसके तय होंगे। ये क्या उनमें से सर हम खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलते हुए देख सकेंगे? आप 16 के बच्चों से भी रणजी ट्रॉफी खेलते देख सकते हैं, 19 के बच्चों से भी रणजी ट्रॉफी देख सकते हैं, 23 के बच्चों से भी देख सकते हैं। यदि किसी के दिमाग में ये है, किसी भी क्रिकेटर के दिमाग में, कि जो लड़के रणजी में खेलेंगे वो सिर्फ सीनियर से खेलेंगे, तो उनके दिमाग से ये बात निकल जानी चाहिए। जो बेस्ट टीम हो सकती है पॉसिबल, जो हमारी सबसे अच्छी क्षमता होगी, BR वैसी क्षमता वाली टीम मैदान में उतारने जा रही है। इस बार हम रणजी ट्रॉफी देख सकते हैं सर BR होटल? उम्मीद तो हम लोग करें, उम्मीद हम लोग करते हैं। आप सबों की शुभकामना रहेगी, हर एक बिहार के नागरिक की शुभकामना रहेगी, और लोग खेलेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णिया के DSA ग्राउंड में, जहां आज अंडर 19 का फिनाले मुकाबला खेला गया है, पटना बनाम भागलपुर, और एक बेहद दिलचस्प मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज करते हुए इस खिताब का
विजेता बना है पटना, जो इस वक्त हमारे साथ तमाम खिलाड़ी मौजूद है, उसके कप्तान भी मौजूद है। बताते चलें कि 17 साल के बाद जब बिहार को आज वो मुकाम हासिल हो गया है जो यहाँ से रणजी ट्रॉफी और उस जैसे बड़े ऑफिशियल्स टूर्नामेंट खेलेगी, वहाँ पर ये पहला ऐसा मौका है जब इन खिलाड़ियों को मौका मिला था खेलने का और मौके को अच्छे से भुनाया। कप्तान हमारे साथ मौजूद है, उन्हें हम बधाई देते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ से आपका जो है जीत की आपकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसा बताइए कि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में आप लोगों का प्रतिनिधित्व कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, हमारे बिहार में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे पटना के भी, पटना में भी सारे, मतलब हमारे 15 में भी ऐसे 11-12 प्लेयर हैं जो कि स्टेट खेल सकते हैं और इस साल बिहार की टीम अच्छा करेगी स्टेट में भी। अजय, बिहार को जितने दिनों से मान्यता नहीं मिली थी, ऐसे में खिलाड़ी का उस वक्त मनोबल कैसा था जब मान्यता नहीं मिल पा रही थी? तो सब प्रैक्टिस करते थे, कोई बाहर जाते थे, लेकिन अब सब फिर वापस आ गए हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, अब पता चल गया सबको मिल गया मान्यता, सब प्रैक्टिस करते हैं, मन से खेलते हैं। अच्छा, पहला टूर्नामेंट खेल कर और पहला टूर्नामेंट के चैंपियन बन के पटना को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इस साल हेमंत ट्रॉफी में भी हम हार गए, 16 भी क्वार्टर फाइनल हार गए, तो 19 ही सिर्फ चैंपियन हुई, तो ये बहुत बड़ी बात है पटना के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पटना को चैंपियन बनाए, क्योंकि इस साल पटना हेमंत ट्रॉफी भी हारा, अंडर 16 में भी हारा, 19 में ही इकलौता चैंपियन बना, तो ये बहुत बड़ी बात है पटना के लिए। अच्छा, आने वाला जो 23 का मुकाबला है जो मोइनुल हक में खेला जाना है और वहाँ से जो प्लेयर्स निकल कर आएंगे बाहर, तो इस बार क्या लगता है कि बिहार को रणजी का मौका मिलेगा खेलने का और उन जैसे प्लेयरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? ये तो रणजी खेलेंगे बिहार की नहीं है तो भी पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो सब अच्छे ही करेंगे, प्लेयर्स तो हैं अच्छे, इसमें खेलेंगे कि नहीं रणजी अभी तक तो पता है नहीं। बिल्कुल, रणजी खेलेंगे या नहीं इन्हें पता नहीं है, लेकिन हौसला काफ़ी बुलंद है कि अगर रणजी का मान्यता मिलता है या इस जैसे ऑफिसर्स टूर्नामेंट का मान्यता मिलता है तो जाहिर सी बात है इन लोगों का हौसला यहीं से बुलंद होता है, क्योंकि एक चैंपियन बने हैं और चैंपियन बनने के बाद इन्हें और भी आगे जाना है, बिहार खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है और हिंदुस्तान के लिए बड़ा नाम रोशन करना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भागलपुर की टीम जो इस अंडर 19 मुकाबले के फिनाले में पराजय का सामना करना पड़ा है, रनर अप टीम रही है, हालांकि यहां के कुछ खिलाड़ियों को 23 खेलने का भी मौका मिला है। फिलहाल हम इस टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे, साथ में कप्तान सचिन मौजूद है जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में बेहतर रहा है, हर मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सचिन, हार्ड लग, आप मुकाबला हार गए हैं लेकिन कोई बात नहीं है, मुकाबला है, हार जीत लगा रहता है। ये बताइए कि अंडर 19 का पूर्णिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों की टीम का? हमारी टीम सब मैच में अच्छी खेलते आ रही थी, बैटिंग ऑर्डर में भी सारा रन कर ही रहे थे, फाइनल में आकर के थोड़ा अंडर प्रेशर हो गए कि एक विकेट चला गया तो फिर गए, उसको कुछ देर रुकना था, वहाँ पे खड़ा नहीं रहे, वो भी रन बनाने चले गए, इसको लेकर के मेरा बैटिंग ऑर्डर ही शुरू का क्लैप्स कर गया, बोल करके हमारी टीम रन चेस नहीं कर पाई। अच्छा, ये तो फाइनल की बात थी, ओवरऑल हमने देखा है भागलपुर की टीम हमेशा से शुरुआती मुकाबले से दबदबा बना के रखी थी, ऐसे में इन खिलाड़ियों को जब आगे खेलने का मौका मिलेगा और जैसी बात चल रही कि बिहार इस बार रणजी भी खेलेगा, तो ऐसे में यहाँ से खिलाड़ियों का जो है बूस्टअप किस तरह से होगा? वो अपना इनिंग को जितना बड़ा करेंगे, जितना बड़ा कर सकते हैं, उससे उसका परफॉर्म खुद दिखेगा, अगर हम परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं होता है। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर जिसको जहां मिलता है वहां उसको खेलना ही होगा, अगर हम विकेट पे खेलेंगे तभी रन बनेगा, ऐसे नहीं कि मतलब गए रन नहीं आ रहा, रन नहीं आ रहा, एक चला दिए, ऐसे नहीं, खड़ा रहेंगे तो रन बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल, खड़े रहेंगे तो रन बनेगा, ये हमने देखा था पहले मुकाबले में जब कटिहार से मैच था और 90 पर 7 विकेट चला गया था, उसके बाद वहाँ से मुकाबले को उन्होंने जीता था, तो ये खेल का एक डिसिप्लिन होता है कि अगर आप उस अनुशासन के साथ खेलेंगे तो मुकाबले में ज़रूर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जो अहम चीज़ है कि ये तो एक दिवसीय मुकाबला था, अगर ये फिनाले 2 दिवसीय होता तो उस वक्त प्रारूप ऐसा बैटिंग ऑर्डर, फिर वो 2 दिवसीय के लिए क्या टीम अभी परिपक्व हुई है? टीम मेरे 2 डेज के लिए ही सही टीम थी ये, लेकिन क्या हुआ कि मेरा बैटिंग ऑर्डर ही क्लब्स कर गया, तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं इसके लेकर के। चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, 23 भी आपको खेलना है, इसके बाद अब बिहार में भी मौका कई सारे मिलेंगे। तो ये वो 2 टीमें थीं जिनसे हम बात कर रहे थे, पटना जो इस चैंपियन बनी है अंडर 19 की और बिहार में पहली बार मान्यता मिलने के बाद अंडर 19 का मुकाबला खेला गया पूर्णिया की धरती पर, और यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच अच्छे मुकाबले हुए, हालांकि फाइनल मुकाबला एक तरफा रहा, पटना ने भागलपुर को 99 रनों से हराया, तो ये अंडर 19 का लेखा जोखा था। अपने सहयोगी अमन के साथ में तहसीन अली, एसटीएन न्यूज़।